Hi guys, you are watching Pharmacy Tayyab YouTube channel and I am Tayyab. देखते हैं जी टेस्ट वर्सेस ऑनमेड का डिफरेंस देखते हैं. तो पहला डिफरेंस डेफिनेशन पे होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा. पेस्ट क्या होता है? डिस्पर्शन है जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड इनसोलुबल पाउडर है, किसमें? फैटी या एक्वस बेस के अंदर. जबकि ऑनमेड जो है इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो सोलुबल भी हो सकते हैं, इनसोलुबल भी हो सकते हैं, होते ये भी बेस में है. यानी कि पेस्ट और ऑइंटमेंट में कॉमन चीज ये है कि दोनों में बेस है, लेकिन पेस्ट का जो एक्टिव है एपीआई है, जो पाउडर है, वो इनसोलुबल होता है बेस के अंदर. जबकि ऑइंटमेंट में हो सकता है कि वो सोलुबल हो या इनसोलुबल हो, दोनों. यानी कि ऑइंटमेंट में दोनों तरह के एपीआई मौजूद होते हैं और इसका जो ग्रेसी इन नेचर ऑइंटमेंट ज्यादा होती है. नेक्स्ट देखते हैं जी ग्रेसी नेचर. पेस्ट जो है वो लेस ग्रीसी होती है. क्यों? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पाउडर ज्यादा होता है, इसलिए ये लेस ग्रीसी है. जबकि ऑइंटमेंट में परसेंटेज ऑफ सॉलिड कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए ये मोर ग्रीसी होती है. तो स्टिफनेस की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टिफनेस का मतलब ये है कि जब हम पेस्ट लगाते हैं तो वो एक हार्ड लेयर बना देता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टिफ इन नेचर कहते हैं. तो पेस्ट की जो है वो स्टिफनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट. फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो पेस्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्टिव नेचर है, यानी ये अब्सॉर्ब करती है, सीरस सेक्रीशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है. जबकि ऑइंटमेंट जो है ये इमोलिएट इन नेचर है. इमोलिएट का मतलब ये है कि ऐसा डोजी फॉर्म जो स्किन को सॉफ्ट करे प्लस सूथिंग इफेक्ट हो उसका, उस डोजी फॉर्म को क्या कहते हैं? इमोलिएट कहते हैं. तो ऑइंटमेंट हमारे पास क्या है? इमोलिएट इन नेचर है, जबकि पेस्ट अब्सॉर्प्टिव है, ये सेक्रेशन को अब्सॉर्ब करता है. नेक्स्ट देखते हैं साइट ऑफ एक्शन. पेस्ट प्योरली जो है वो लोकल इफेक्ट करता है और इसीलिए टॉपिकल उसे अप्लाई करते हैं. जबकि ऑइंटमेंट में कुछ ऑइंटमेंट ऐसी हैं जो सिस्टमेटिक, यानी कि अब्सॉर्ब होंगी उसमें से कंपोनेंट, और अब्सॉर्ब होने के बाद वो सिस्टमेटिक जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्टनेस. पेस्ट जो है ये स्टिफर होती है, इसलिए ये सॉफ्ट नहीं हो सकती. जबकि ऑइंटमेंट हमारे पास ये है, ये सॉफ्ट भी होती है, इसका फ्लो भी इजी होता है. नेक्स्ट देखते हैं जी सुटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन. किस किस जगह अप्लाई किया जाता है, इस बुनियाद में हम इसका डिफरेंस देखते हैं. पेस्ट हमारे पास जो है ये हम हेयर, जहां स्किन हेयरी स्किन है, वहां हम बाल मौजूद है स्किन पे, वहां हम जो है वो पेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन जो ऑइंटमेंट है ये इक्वली सूटेबल है, प्लेन स्किन पे करें या हेयरी स्किन पे करें, और लेस स्टिफ होती है एज कम्पेयर टू पेस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.